तीन नकाबपोश बदमाशों ने एक ज्वेलर पर गोलीबारी कर हमला किया और फरार हो गए। इसके बाद पुलिस ने 8 घंटे मशक्कत कर इन तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। खदीमा विकासखंड के दयूरी ग्राम में आराधना ज्वेलर्स के स्वामी रमेश रस्तोगी के ऊपर कुछ अज्ञात नकाबपोशों द्वारा उनकी दुकान पर ही गोलीबारी कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया और नकाबपोश हमलावर मौके से फरार हो गए। घायल रमेश रस्तोगी को उपचार के लिए खटीमा नागरिक अस्पताल लाया गया, जहां से उनकी बरेली भोजीपुर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया, जहां जाते समय रास्ते में ही घायल रमेश रस्तोगी की मृत्यु हो गई। कोतवाली खटीमा में तत्काल ही मुकदमा पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी गई है। SSP मंजुनाथ TC ने बताया कि मामले का खुलासा करने के लिए हमारे द्वारा कुल 8 टीमों का गठन किया गया। सभी ने पूरी क्षमता से कार्य करते हुए सर्वेलेंस, CCTV फुटेज और पूछताछ के जरिए केवल 8 घंटे के अंदर ही घटना को अंजाम देने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए घटना में प्रयुक्त एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, 2 .315 बोर के तमंचे, 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। बताते हैं, पैसे के लेन देन के कारण रस्तोगी को मारा है। घटना को अंजाम देने वाले आरोपी सुरेंद्र सिंह उर्फ सूखा, विक्रमजीत सिंह, लखविंदर सिंह अब सिकंचू में है। बीते रात को लगभग 8 साढ़े 8 बजे हमको सूचना मिली कि ड्यूरिया जो गांव पड़ता है, जनकट चौकी से भी 7 किलोमीटर दूर, वहां पर कुछ 2-3 लोगों द्वारा आए गए और एक छोटी सी दुकान है, मतलब गहनों की छोटी सी दुकान, सुनार का दुकान है। उस दुकान के अंदर आके 2 लोगों द्वारा एक दो कुछ राउंड फायर कर लिया गया, तुरंत 3 लोग भाग गए करके। उसमें चोटिल हो गया हमारा रमेश रस्तोगी करके, उस दुकान का संचालक और मालिक, ठीक है। तो ये बड़ा हैरतन घटना है। बाद में उसको बरेली रेफर कर लिया गया और रेफरल होते होते हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सीरियस और संवेदनशील घटना था। इस घटना का संवेदनशीलता देखते हुए पूरे जनपद को हमने नाकाबंदी और सीलिंग करा दिया था। तो कुल मिला के रात भर काम करे इतनी बड़ी टीम का, कम से कम 30 से 40 लोग हमारा टीम थी, जो बहुत बड़ी टीम थी और अलग अलग काम कर रही थी। तो इस हम लोगों ने मैनुअल, टेक्निकल और सर्वेलांस तीनों के माध्यम से काम किया। इन तीनों का समागम का नतीजा है कि हमको काफ़ी इनपुट्स मिल गए और अल्टीमेटली तो हमारा मनोज धोनी और हमारा देवेंद्र गौरव को कड़ी इनपुट जब मिली, जब फोटोज को दिखा दिखा के एक जहाँ पे वो जीरो इन कर लिया, जहाँ पर वो छुपे रहते हैं, वहाँ पर हमको बहुत स्ट्रांग इनपुट मिला। उस स्ट्रांग इनपुट के आधार पर जाकर डेयरिंग रेड मारा। आधी रात में असलाहों से लेस बदमाशों को पकड़ना बहुत मुश्किल है, फिर भी हमारा टीम ने बहुत बड़ी रेड मारी और उस रेड का नतीजा ये हुआ कि तीनों अभियुक्त जो वारदात में शामिल थे, वो तीनों अभियुक्त पकड़ में आ गए। जानकारी में आया है पूछताछ में कि उनका 2 साल पहले से कुछ पैसे का लेन देन था। इसके अनुसार ये है कि 20,000 रुपये दिया था इसने एक अंगूठा बनाने के लिए बेटी के नाम पर, वो अंगूठा कभी बना नहीं, रस्तोगी द्वारा बना के नहीं दिया। और बाद में पूछने पर जो है आनातानी हो रही थी और एक दिन जो है काफ़ी हॉट टॉक हो गई थी और कुछ अभद्र टिप्पणियाँ भी दिया था, ऐसा इसका कहना है। बाद में इन्होंने परसों डिसाइड किया और बहुत ज़्यादा शराब पी के आके तुरंत इस घटना को अंजाम दिया गया। सुखविंदर उर्फ सुक्का, उसका बेटा और उसका भतीजा विक्रमजीत और लखविंदर के ऊपर लूट का मुकदमा भी है। ये लोग हार्ड कोर अपराधी है, ये शराब के मुकदमे भी है, इनके ऊपर लूट का मुकदमा भी है। इनके द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया है, आपसी रंजिशन, पैसे को लेकर, रंजिश को लेकर। जिस घटना का त्वरित खुलासा के अलावा, मात्र खुलासा के अलावा, हमने सभी अपराधी, शामिल अपराधियों को हमने तत्काल, हमने आज पकड़ पकड़ करके गिरफ्तार कर लिया गया है। और उसके अलावा घटना में प्रायुक्त तीनों जो तमंचे हैं उनको हमने बरामद कर लिया गया है, 2 तमंचे बरामद कर लिया गया है और मोटरसाइकिल जो घटना में प्रायुक्त उसको बरामद कर लिया गया है, हेलमेट भी, सारे चीज़ें बरामद कर लिया गया। और अच्छे तरीके से हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, सख्त से सख्त इन्वेस्टिगेशन करके फांसी की अपील करेंगे। इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए टीम को मेरा 2,500 रुपये का कैश रिवॉर्ड और 3 कर्मचारी संतोष और हमारा मनोज धोनी और हमारा SO देवेंद्र, इनको मैं मैन ऑफ द मंथ के लिए नॉमिनेट करता हूँ। तीनों ऑफिसर्स को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।